प्रेरणादायक कहानी। तीसरी बकरी रोहित और मोहित बड़े शरारती बच्चे थे। दोनों पांचवां स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई, तब मोहित ने रोहित से कहा, दोस्त मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बताओ बताओ क्या आइडिया है, रोहित ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मोहित, वो देखो सामने तीन बकरियां चल रही हैं रोहित, तो इनसे हमें क्या लेना देना है। मोहित, हम आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। रोहित पर इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़े ही है, कुछ ही समय में ये मिल जाएंगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मोहित, हाहा, यही तो बात है, वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद भी पढ़ाई के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सभी लोग चले गए तो ये तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों दोस्तों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग का गोला बना दिया। इसके बाद मोहित बोला, अब मैं इन बकरियों पे नंबर डाल देता हूँ, और उसने सफेद रंग से नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पे नंबर एक, दूसरी पे नंबर दो और तीसरी पे नंबर चार। क्या तुमने तीसरी बकरी पे नंबर चार क्यों डाल दिया, रोहित ने आश्चर्य से पूछा। मोहित हंसते हुए बोला, दोस्त यही तो मेरा आइडिया है, अब कल देखना सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, चार बकरियां हैं, पहले दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लगा गया। एक एक क्लास में टीचर गए, अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजबीन स्कूल की छतों पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। कई सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तब तो मिलती जब वो होती, बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर रोहित और मोहित इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी अदृश्य कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे इस संदेश को भी जरूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीजें हैं जिन्हें खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर वो हमें कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वे रियलिटी में होती ही नहीं। हम ऐसी लाइफ चाहते हैं जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं जो हमें पूरी तरह समझे, जिसके साथ कभी हमारी अनबन ना हो। इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसी जॉब या बिजनेस चाहते हैं जिसमें हमेशा सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहे। इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या जरूरी है कि हर वक्त किसी चीज के लिए परेशान रहा जाए? ये भी तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वही हमारे लाइफ पजल को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त हो। ये भी तो हो सकता है कि जिस तीसरी चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो हकीकत में हो ही ना, और हम पहले से ही